तो फ्रेंड्स जब भी आप पाव भाजी बनाए इसमें थोड़ा सा काला नमक डाल देते हैं ना, तो इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाता है। और उसके ऊपर से इसमें आप नींबू डाल दीजिए, देखिए, और फिर आप इसमें प्याज डाल दीजिए। प्याज आपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, कई लोग नहीं खाते हैं तो मत डालिए कच्चे प्याज, वो खुद ही मिला लेंगे। इस तरीके से आप पाव भाजी को सर्व कर सकते हैं। इसमें थोड़ा बटर भी डाल सकते हैं यदि आप डालना चाहें ऊपर से, तो बहुत ही टेस्टी बनती है। अच्छा बना पाव भाजी। चलो टेस्टी लग रहा है ना, कुछ डिफरेंट है। इसलिए प्याज नहीं डाली आर्यन ने, कोई बात नहीं, बाकी चीज खा लो, ठीक है, बाय। बैक टू घर पे सीखूं। तो फ्रेंड्स आज हम बनाने जा रहे हैं पाव भाजी, और पाव भाजी के लिए सबसे पहले हमने कट कर ली है सब्जियां। मैंने डाला इसमें लौकी, बैंगन, बीन्स और आलू, प्याज, टमाटर हम लोग इसमें बाद में फ्राई करेंगे, लहसुन अदरक और धनिया पत्ती। तो सब आप सब्जियां का सिलेक्शन कुछ भी कर सकते हैं। एक्चुअली ज़्यादातर इसमें पत्ता गोभी पड़ती है, पर पत्ता गोभी अभी हम लोग को नहीं खानी है, तो मैंने इसमें लौकी डाली हुई है। और बाकी आप सब्जी अपने हिसाब से चुन सकते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले इसमें पानी डाल के हम इसको बॉईल कर लेते हैं, और फिर हम उसके बाद आपसे मिलते हैं। ये सब्जियाँ बॉईल हो चुकी हैं, और हम इसको मैसर से मैश कर लेंगे अच्छे से। आप जो भी मैसर यूज करते हैं उससे मैश कर लीजिए, लकड़ी वाला मैसर जो होता है बहुत ही अच्छा होता है, और इससे जल्दी सब्जियाँ मैश हो जाती हैं। इसके बाद हम इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे पाव भाजी बनाने के लिए। तो ग्रेवी बनाने के लिए मैंने टमाटर को ग्रेट कर लिया है, और प्याज मैंने खड़ा ही रखा है, उसमें हम गार्लिक डाल दी है, और ये धनिया पत्ती है जो कि हम गार्निशिंग के लिए यूज करेंगे, और ये सारे मसाले हैं। और इसके साथ हम ऐड करते हैं पाव भाजी मसाला। तो आज मेरे पास पाव भाजी मसाला नहीं है, तो मैं थोड़ा सा सांभर पाउडर और गरम मसाला को मिक्स करके डालूंगी। इसमें गरम मसाला मैंने भर के रखा हुआ है, तो इस तरीके से आप भी ट्राई कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने अभी जिंजर को भी ग्रेट कर दिया है, और ये हींग निकाल के रख ली है, और कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया है, तो इसमें तेल गर्म होगा, उसके बाद हम सब इसमें ऐड करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हींग डाल देते हैं, उसके बाद इसमें मैं जीरा डाल दूंगी, उसके बाद थोड़ी सी राई, राई आप पीली या काली कोई भी यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा सा मैंने सौंफ डाल दिया है, और इसको हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। मेथी दाना भी आप डाल सकते हैं, जल्दी सभी सब्जियों में डाल देती हूँ, तो इसमें थोड़ा सा मैंने कम डाला है जिससे कड़वापन ना आए, तो मेथी दाना भी डाल दिया है फ्रेंड्स। और थोड़ा सा इसको अच्छे से तड़क जाने देते हैं तड़के को, और उसके बाद में हम इसमें ऐड कर देंगे ये अनियन, गार्लिक और जिंजर। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा ग्रीन चिली भी डाल दीजिए। मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी मसाले में मिर्ची होती है, जो हम सांभर पाउडर या गरम मसाला यूज करते हैं हल्का चटपटा होता है, इसलिए मैंने इसमें नहीं डाला है, क्योंकि बच्चों के लिए ज़्यादा ना हो। इसको थोड़ा सा पिंकिश ब्राउनस आने तक हम इसको भूनेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, प्याज थोड़ा सा पिंकिश ब्राउनस हो गई है, अब हम इसमें ऐड करते हैं थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा कोरिएंडर पाउडर, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, और इसके बाद में हम इसमें ऐड करेंगे ये टमाटर जो मैंने प्यूरी बना कर रखी है, और इसको भी हम थोड़ा देखिए टमाटर भून चुका है, अब हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट।
सॉल्ट आपने टेस्ट के हिसाब से डालिए और कितनी क्वांटिटी है उसके हिसाब से। तो ये मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया है, और इसके बाद हम ऐड कर देंगे ये जो सारी सब्जियां हैं ना जो हमने मैश करके रखी हुई हैं। ऐड करेंगे थोड़ा सा, इसको पकने के बाद में इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए ये थोड़ा पक रहा है, इसको और पकने देंगे। जब तक हम इसमें थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा सांभर पाउडर को मिक्स करके डाल देंगे, जिससे कि ये जो पाव भाजी का ही टेस्ट आएगा। तो आपके पास पाव भाजी मसाला है तो आपको कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप नमक डाल दीजिए और पाव भाजी मसाला डाल दीजिए तो ही बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो मैंने उसका सब्स्टिट्यूट बनाया है। तो फ्रेंड्स देखिए ये है फ्रेश पाव जो कि हम बेकरी से लेके आए हैं, और इसको हम बीच से कट कर देंगे और इसको फिर हम घी या बटर में सेकेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरीके से हमने ये जो पाव है उसको सेक रहे हैं। घी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए ये तो कैसा बना है मोती? अच्छा बना है। पाव भाजी ठीक बना है? तुम भी फर्स्ट टाइम खाई हो ना? अच्छा लगा। नमक सही है? ठीक है, थैंक यू।